हेलो दोस्तों, आज हम रोचक फैक्ट्स के माध्यम से कमल के फूल के बारे में बात करेंगे। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है और कला प्राचीन भारत पौराणिक कथाओं में से इसका अनूठा स्थान रहा। कमल आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति एक शुभ प्रतीक रहा। इसके सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही आधुनिक भारत के संस्थापकों द्वारा कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। भारत कमल के फूल केवल दो रंगों में मिलते हैं, गुलाबी और सफ़ेद। कमल तालाबों, पोखरों एवं कीचड़ भरी जगहों पर पाया जाता है। कमल की पत्तियां सरल और लंबी खोखली हवा से भरे डंठल जैसी होती हैं, जिससे कि पत्तियों को पानी की सतह पर तैरने की सहयोग मिल सके। कमल का डंठल 100 सेमी तक ऊंचा हो सकता है। कमल के फूल का आकार बड़े एवं आमतौर पर पानी की सतह से ऊपर दिखाई देते हैं। यह एक सुंदर फूल होता है जो देवतों, प्रजन, धन और ज्ञान का प्रतीक है। हालांकि मूल रूप से कमल एक भारतीय फूल है, किंतु आजकल यह चीन, जापान और अमेरिका देशों में भी पाया जाता है। अशुद्धता से अछूता कमल का फूल दिल और मन की पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कमल धन की देवी लक्ष्मी का आसन है। हालांकि कमल मुख्य रूप से एक सजावटी पौधे के रूप में माना जाता है और इसका फूल धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, किंतु इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। कमल का शहद आंखों के विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। भारत के अलावा कमल वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। इसकी सुंदरता मनमोहिनी होती है, जिसे देखकर ही कहावत का प्रयोग होता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।